अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू? आप लोगों ने रीडिंग की होगी चैप्टर नंबर 9 की, सीजन्स ऑफ द ईयर, साल के मौसम या मौसम जो होते हैं हमारे साल में, वो उस दिन भी मैंने आपको बताए थे कि चार मौसम होते हैं साल में, ठीक है, उसकी रीडिंग आपने कंप्लीट करनी है। आज हमने उस चैप्टर के वर्ड्स उर्दू मीनिंग और सिनोनिम्स करने हैं। पहला वर्ड है हमारे पास मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है आश्कार होना, जाहिर होना। सिनोनियम इसका क्या बना? टू रिवील, जाहिर होना। ब्लॉसम मतलब खिलना, टू टर्न इनटू अ फ्लावर। एक छोटी सी कली होती है, जब वो खिलती है तो वो किसके अंदर टर्न होती है? फूल के अंदर वो टर्न हो जाती है। स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी का मतलब होता है नापैद या फिर कम होना, किसी चीज़ की कमी होना, कमयाबी। शॉर्ट सप्लाई, कम सप्लाई करना उसको। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब है अक्सर, बाज़ औकात, नाउ एंड अगेन। बर्ड्स, बर्ड्स कहते हैं कलियाँ, कलियाँ होती हैं फूलों की। फ्लावर्स विच आर येट नॉट फुली ओपन, अभी मैंने आपको बताया जैसे ब्लॉसम में क्या था कि वो जो कलियाँ होती हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होती हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं वो फ्लावर्स जो कि अभी पूरे तरीके से फ्लावर नहीं बने होते, वो कलियाँ होती हैं, ठीक है। ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब है सब्जा, ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स एंड लीव, वो प्लांट्स और पत्ते, पौधे और पत्ते जो के ग्रीन हो। नेक्स्ट है पैचेस, छोटे टुकड़ों को कहते हैं पैचेस, स्मॉल पीसीस, छोटे टुकड़े। रैपिडली तेज़ी से, क्विकली फौरन, तेज़ी से जल्दी से। रेयर, रेयर का मतलब है नायाब, जो बहुत कॉमन ना हो, अनकॉमन हो वो, ठीक है। फ्रेग्रेंस कहते हैं खुशबू को, नाइस स्मेल, अच्छी खुशबू, ठीक है। ये वाले जो वर्ड्स मीनिंग और सिनोनियम्स हैं आपने अपनी कॉपीज पर करनी है 14 दिसंबर और मंडे के डे से, ठीक है, और याद भी करने हैं आपने साथ।